वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों ब्रीफ पंजाब चैनल उत्ते तुहाडा सब दा स्वागत है। तुसी सारे जानते ही हो कि इस वार दे श्री हेमकुंड साहब के दर्शन शुरू हो चुके हैं। श्री हेमकुंड साहब जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्वले जन्म विच कठिन तपस्या की सी, ते फिर उन्होंने अकाल पुरख वालों धरती उपर जन्म लैण का हुक्म होया सी। ये सारी वार्ता दसम पातशाह ने अपनी बाणी विच व्याख्यान की है। श्री हेमकुंड साहब विखे हर साल लखां लोग कठिन रस्ता तय करके दर्शन कर जाते हैं। इस अस्थान की खोज थोड़ा समा पहला ही हुई है। अज की इस वीडियो में असी गलबात करांगे कि श्री हेमकुंड साहब की खोज कदों किवें किसने अते किस आधार उपर कीती सी। सो वीडियो बहुत ही रोचक अते जानकारी भरपूर है। तुहानू बेनती है कि वीडियो नू पूरी सुनियो ते अगे शेयर जरूर कर दिओ। सो हुण शुरू करते हाँ। जो अज आप श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारे की बिल्डिंग देखते हाँ, पहला इतने सिर्फ 10x10 का एको कमरा ही हुंदा सी। इसकी शुरुआत होंदी है 1884 तो, जदों एक निर्मले संत तारा सिंह जी नरोत्तम जो एक इतिहासकार सन, उन्होंने पटियाला रियासत के राजे वालों एक जिम्मेवारी दी गई कि तुसी एक इतिहासकार होने के नाते 10 गुरु साहबाना नाल संबंधित सारे गुरुद्वारों की जानकारी इकट्ठी करो, हरेक गुरुद्वारे के इतिहास की भी जानकारी पता की जाए। तो तारा सिंह नरोत्तम ने अपनी यात्रा शुरू की। अपने काम को पूरा करके उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है श्री गुरु तीर्थ संग्रह। इस किताब में उन्होंने 10 गुरु साहबाना नाल संबंधित सारे गुरुद्वारे और उन्होंने इतिहास बारे लिखा। सारे गुरुद्वारे के नाल नाल उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पूर्वले जन्म के तप स्थान श्री हेमकुंड साहब का भी जिक्र किया। इस स्थान नूं लभदे लभदे तारा सिंह नरोत्तम जोशी मठ तो होंदे हुए पंटकेश्वर पहुँचे। उन्होंने स्थानक लोगों तो पता लगा कि पहाड़ों के उपर एक झील है जिसनों स्थानक लोग बहुत पवित्र समझते हैं। उस झील को लोकपाल का नाम दिता गया है। ठीक उस दिन ही पंटकेश्वर तो कुछ कुछ स्थानक निवासी लोकपाल झील उपर चले सन। तो संत तारा सिंह नरोत्तम भी उन्होंने नाल चल पाए। स्थानक लोगों नाल वो अज दे हेमकुंड साहब वाली जगह पर पहुँचे। झील के दुआले 7 पहाड़ियाँ देख के उन्होंने दसम पिता वालों उचारिया कथन, हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग सोभत है तां वाला कथन याद आया। तारा सिंह नरोत्तम नूं पक्का विश्वास हो गया कि यह दसम पिता कलगीधर जी के ही पूर्वले जन्म का तप स्थान है। ये सारा वाकया तो उन्होंने अपनी किताब श्री गुरु तीर्थ संग्रह विच लिख दिता। इस तो बाद इस बारे सिख कौम विच कोई गलबात नहीं हुई, ना ही किसी ने इस उत्ते गौर किया। सिर्फ भाई वीर सिंह जी ने जदों श्री कलगीधर चमत्कार की लिखाई की तो उन्होंने 4 वक् वक् स्थाना उपर सप्त श्रृंग होने का अंदाजा लगाया, जिन्हां विचों एक ये भी सी जिस बारे संत तारा सिंह ने अपनी किताब विच लिखिया सी। भाई तारा सिंह ने भी बाद विच उस स्थान ते ना गए। भाई वीर सिंह ने हौली हौली लिखा कि मैनू पक्का विश्वास है कि दसम पिता का पवित्र स्थान यही है जो तारा सिंह नरोत्तम ने लभ्या सी। इस तो बाद सन 1932 सरदार सोहण सिंह जो इंडियन आर्मी विचों रिटायर हुए सन, वो टीरी गढ़वाल इलाके विच रहिंदे सन। जदों उन्होंने भाई वीर सिंह दा हेमकुंड साहब बारे लिखिया श्री कलगीधर चमत्कार पढ़िया तां वह हेमकुंड साहब दा स्थान लभण लई घरों चल पए। 1933 तक वह इस स्थान नूं लभदे रहे पर असफल रहे। ठंड ज़्यादा होने कारण वह वापस अपने घर चले गए। सन 1934 पूरे एक साल बाद वो फिर इत्थे वापस आए। जोशी मठ आके उन्होंने भी स्थानक लोगों तो लोकपाल झील बारे पता चलता है। स्थानक लोगों की मदद के नाल वो नहर पार करके उस स्थान पर पहुँचते हैं। सोहण सिंह उतों वापस आके मसूरी देहरादून के एक गुरद्वारा साहब के विच पहुँचते हैं तो उतों के प्रधान नूं यह सारी वाख्यात दसते हैं। प्रधान ने अगों ज़्यादा तवज्जो नहीं दी तो वह श्री अमृतसर साहब पहुँचते हैं और श्रोमणी कमेटी तो सहायता मांगते हैं, पर श्रोमणी कमेटी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदी। फिर भाई सोहण सिंह भाई वीर सिंह को जाके ये सारी वार्ता दसते हैं। भाई वीर सिंह ने भाई सोहण सिंह नूं 100 रुपया दिता ते कहा कि तुसी उत्थे जाके सेवा शुरू कराओ, दसम पिता आपे कृपा करनगे।
वापस आ के सोहन सिंह ने अपने साथी भाई मोदन सिंह वो भी एक सबका फौजी सन उन्होंने नाल लैके उस स्थान पर पहुँचते हैं। इन दोहां सिंघां ने स्थानक लोगों की मदद के नाल उत्थे एक 10x10 का कमरा तैयार करवाया ते 1937 भाई वीर सिंह जी वालों इन्हां सिखां नूं भेंट किए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पहली बार इस गुरद्वारे साहब विच कीता गया। 2 साल तक भाई सोहन सिंह ते भाई मोदन सिंह ही इस स्थान की सेवा इकले करते रहे। 1939 भाई सोहन सिंह टीबी की बीमारी का शिकार हो गए ते वो भाई वीर सिंह उन्होंने अपने कोल अमृतसर ले आए। उत्थे ही भाई सोहन सिंह कुछ चिर बाद अकाल चलाना कर गए। हुण भाई मोदन सिंह ही इकले उत्थे सन। जिम्मेवारी निभाउंदिआं भाई मोदन सिंह ने करीब 21 साल इस स्थान की सेवा संभाल अत की ठंड विच कीती। तुसी सब ने गुरद्वारा गोबिंद धाम विच एक वड्डा दरख्त देखिया होवेगा। ये दरख्त विचों खाली है। इस दरख्त विच ही ठंड के दिनों विच भाई मोदन सिंह जंगली जानवरों तो बचने लई सौंदे सन। कोई खास रस्ता भी नहीं सी, पहाड़ियां चढ़ के ही भाई मोदन सिंह उपर जाते सन। उधर पंजाब विच भी भाई वीर सिंह ने अपनी लिखतों नाल सिख कौम नूं जागृत किया। हौली हौली फिर कौम ने माया इकट्ठी की। गोबिंद घाट वाला स्थान 1944-45 भाई मोदन सिंह की रहन माई विच ही उसारिया गया। अंदाजन 1952 स्थानक लोगों की मदद के नाल पहला जथा इत्थे दर्शनां नूं आया सी। 1957 भाई वीर सिंह अकाल चलाना कर गए ते 1960 भाई मोदन सिंह भी सुरगवास हो गए। सुरगवास होने तो पहला भाई मोदन सिंह ने गुरद्वारा साहब का एक ट्रस्ट बना दिता ते 1960 तो लैके अज तक उही ट्रस्ट इन सारे गुरु घर स्थानों की देखभाल कर रहा है। 1964 जो 10x10 का एक कमरा सी उसनू वड्डा करन दा काम शुरू किया गया। 1968 अज वाले श्री हेमकोट साहब की बिल्डिंग तैयार की गई। स्थानक लोगों नाल मिल के इत्थे आने वाले रस्ते भी चौड़े किए गए। हुण ये स्थान 110x110 फुट का है। इस दियां 5 नुक्करां वाली छत बनाई गई जो खराब मौसम नूं भी सहार सकती है। इस अस्थान की छत तो ही गुरद्वारा साहब की पहचान आ जाती है कि यह श्री हेमकुंड साहब है। इस तरह दसम पिता जी के इस अस्थान नूं आम संगत लई दर्शन संभव हो सके। तुहानू ये साड़ी जानकारी किस तरह की लगी कमेंटा विच अपनी राय जरूर दस्यो। इस तरह दियां होर वीडियो देखने लई पेज नूं लाइक अते शेयर जरूर करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।